भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। लकीरों का खेल भी बड़ा अजीब खेल है। लकीरों का खेल बड़ा अजीब खेल है। हथेली पर बन जाएं तो किस्मत बन जाती है, जमीन पर खिंच जाएं तो सरहद बन जाती है, और शरीर पर खिंच जाएं तो खून निकाल लेती हैं, और रिश्तों पर खिंच जाएं तो दीवारें खड़ी कर दिया करती हैं। लकीरों का खेल बड़ा अजीब खेल है। मानिए, एक बात याद रखना, जिंदगी को थोड़ा सा एक सलीके से जीने का प्रयास करना। आज मकान बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, मन बहुत छोटे छोटे हो रहे हैं। पहले का जमाना वह था कि मकान छोटे लेकिन मन बड़ा होता था। मेरा बिहार होता है, गांव गांव शहर शहर में फर्क इतना ही महसूस करता हूं। एक पत्रकार ने पूछा कि गांव में और शहर में क्या अंतर है। मैंने इतना ही अंतर देखा है कि गांव में मकान तो दूर दूर होते हैं लेकिन मन पास पास होते हैं, और शहरों में मकान पास पास होते हैं लेकिन मन बहुत दूर दूर हुआ करते हैं। ये दोनों में अंतर होता है। दीवाल से दीवाल सटी है लेकिन पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता है, वह उसके दर्द को नहीं समझता है, उसकी वेदना को नहीं समझता है। पहले लिखा रहता था कि अतिथि देवो भव, हमारे घर अतिथि आया है देवता के समान, सुस्वागतम लिखा रहता था। शहरों में लिखा रहता है सावधान कुत्तों से सावधान, ध्यान रखिए। पहले लिखा रहता था कि आपका स्वागत है, आज लिखा रहता है सावधान यहां कुत्ते रहते हैं, ध्यान रखिए। विचार करिए, मामला बदल गया है। पहले के लोग वो थे जो कहते थे कोई आवे तो हम खावे, आज के लोग सोचते हैं ये जावे तो फिर हम खावे, ध्यान रखना। ये बदल गया है वातावरण, मानिए। कितना सिमट गए हैं लोग अपने आप। एक बात याद रखो, घर परिवार ईंट पत्थरों की दीवार से नहीं बना करता है। याद रखना, एक होता है मकान और एक होता है घर। जो ईंट पत्थरों से बनता है वह मकान होता है, और जो भीतर के प्यार से बनता है वो घर हुआ करता है, ध्यान रखिए। और एक बात और जीवन में स्मरण में रखना, मकान बनाया जाता है, घर बसाया जाता है। घर बनाना नहीं पड़ता, वो बसाना पड़ता है। मकान पैसों से बनता है, घर प्यार से बसा करता है, ध्यान रखिए। आपके घर टूट रहे हैं, घर में टूटन है, घर बिखर रहे हैं, एक भाई दूसरे भाई से बोलने को तैयार नहीं है। एक बात याद रखना, जानते हो घर किसे कहा करते हैं? जहां 10 लोग रहते हैं, भाई रहता है, बहन रहती है, चाचा रहते हैं, चाची रहती है, दादा रहते हैं, दादी रहती है, बच्चे होते हैं, बच्ची होती है, नाती पोते जहाँ एक साथ मिलकर रहते हैं उसे घर कहा जाता है, ध्यान रखना। और जहाँ कोई नहीं रहता है वो चार दीवारों का एक मकान हुआ करता है, और जिस मकान में लोग रहना बंद कर देते हैं उस मकान को खंडर होने में फिर ज़्यादा देर नहीं लगा करती। घर बसाओ मेरे भाई, मकान बनाना सरल है, घर बसाना कठिन काम हुआ करता है। झोपड़ी सोनी, महल सोने, तुम्हारे बड़े बड़े बंगले सोने हो रहे हैं, प्यार के लिए, अपने पन के लिए तुम्हारा घर उजड़ रहा है। एक बात याद रखना, जिंदगी को समझना है, जिंदगी को ढंग से जीना है। एक ही बात अपने जीवन में स्मरण में रखना,
कि घोंसले तो पशु पक्षी भी बना लेते हैं, अरे घोंसलों से जिंदगी नहीं होती है, उनका घोंसला तो केवल बच्चों को जन्म देने के लिए होता है। हमारे घोंसले नहीं, हमारे घर हुआ करते हैं, जहां बच्चों को जन्म ही नहीं उन्हें जीवन जीने की कला भी सिखाया करती है, जीवन जीना भी सिखाया जाता है। पक्षी जीवन जीना नहीं सिखाता है, वह केवल जन्म देना जानता है, मनुष्य जीवन जीना सिखाता। यही अंतर है एक जानवर में और एक मनुष्य में। एक घर में मेरा आहार हुआ, बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने मेरा पड़गाहन किया, मुझे पड़गा करके अपने घर में ले गए, बड़े खुश हुए, बड़े आनंदित हुए। मैंने उनसे पूछा, मालूम है कहां ले गए? मुझे तीसरे माले पर। इनका कमाल कर दिया, हालांकि दो माले खाली थे लेकिन वो तीसरे पे ले गया, उसका बस चलता तो चौथे पे भी ले जाता। इनका भाई तेरा घर इतना बड़ा है, तू मुझे इतने ऊपर आहार को क्यों लाया? बोले यही तो दिखाने लाया कि मेरा घर कितना बड़ा है। इनका कमाल कर दिया। बोले बहुत बड़ा मकान है महाराज, अभी बनाया है, करोड़ों रुपए मैंने खर्च किए हैं, आपके चरण पड़ गए। मैंने कहा चरण नहीं, चरण की बात मत कर, चरण तो नीचे भी पड़ सकते थे, तुझे चरण नहीं, तू तो मुझे ले जाके अपना आचरण दिखा रहा है कि मैंने इतना बड़ा मकान बना के रखा है। मैंने कहा कितने कमरे हैं? बोले 15 कमरे हैं। सोचिए 15 कमरों का मकान। मैंने पूछा कितने लोग रहते हैं इसमें? बोले 3, मैं, मेरी पत्नी और मेरा एक बच्चा। मैंने कहा 3 लोग और 15 कमरे? तो मैंने कहा मुझे नीचे ही खिला के वापस कर देता। बोले नहीं, आप देखते कैसे? मैंने कहा तू किस मकान को दिखा रहा है? ध्यान रखना, एक बात याद रखना, गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है? अरे सागर को मालूम है बूंद में कितना पानी है। ध्यान रखना, क्या समझाओ? इनका जो मकान तू दिखा रहा ना, उन मकानों को हमने कभी मन में नहीं रखा है, ऐसे मकानों को संत लात मार के संन्यास की धारा में बह जाया करता है। ध्यान रखिए, मकान क्या दिखाना? इनका तेरा मकान मैंने देख लिया, बहुत सुंदर मकान है, इतना सुंदर मकान, इतना। अरे बोले सही बताओ महाराज। मैंने कहा इतना सुंदर मकान मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। तो बोले फिर मैं तो बड़ा आनंदित हूँ, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। लेकिन मैंने कहा एक बात याद रख, तू मुझे तीसरे माले पे लाया। बोले मेरा मकान शुद्ध हो जाएगा। अरे मैंने कहा नादान, मकान शुद्ध क्या कराता है? वह तो ईंट पत्थर का बना हुआ है, वह क्या शुद्ध होगा और क्या अशुद्ध होगा? मैंने कहा एक बात बता, मेरे आने से तेरा मकान शुद्ध हुआ, मन शुद्ध हुआ या नहीं हुआ है? ध्यान रखिए, संत के आने से मकान शुद्ध नहीं, मनों को शुद्ध किया जाता है। जिसका मन शुद्ध हो जाए, आदमी मकान शुद्ध कर रहा है, आदमी मकान का वास्तु सुधार रहा है, मन का वास्तु कौन सुधारेगा? ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि दिशा बदल दो, ऐसा कर दो, वास्तु का ये कर दो, वो कर दो, मन प्रसन्न रहेगा। और मैं पुलक सागर कहता हूं, मन प्रसन्न रखो, वास्तु अपने आप सुधर जाएगा, उसे सुधारने की कोई जरूरत मन प्रसन्न रखो ना, किस वास्तु की बात कर रहे हो? ध्यान रखना, कहा जाता है ना, कठौती में गंगा और यदि होवे मन चंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, वरना गंगा नहाने से भी खुशियां प्राप्त नहीं हुआ करते। इनका मन को प्रसन्न रख, वास्तु अपने आप सही हो जाएगा। तेरे घर में किलकारियां होना चाहिए, वास्तु अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। और एक बात याद रखना, घर के 4 मेंबर यदि हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते हैं, मैं कहता हूं कोई काली हंडी दरवाजे पे लगाने की जरूरत नहीं है, कोई मिर्ची और नींबू लटकाने की जरूरत नहीं है। अरे प्रसन्नता के साथ रहो, घर में स्वर्ग के दर्शन अपने आप हो जाए। मन प्रसन्न नहीं है, मकान बड़ा मन छोटा, कोठी बड़ी आदमी बोना। ध्यान रखना, कितना बड़ा दिल है वो इंसान हुआ करता है। ध्यान मान्य बल, मैंने कहा एक बात बता, इस 15 कमरों में तुम 3 लोग रहते हो, तुम्हारी माता पिता, तुम्हारा भाई? बोले हैं। मैंने कहा कहां रहते हैं? अरिहंत नगर में।
राजा बाजार में। मेरे कहा ऐसा क्यों? बोले ऐसा है महाराज, वो मेरे माता पिता है ना, वो छोटे भाई के साथ रहते हैं। मैंने कहा तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहते हैं? मुझे 15 कमरों में तुम 3 लोग बैठे हुए हो, वो लोग किराए के मकान में रह रहे हैं। 6 लोग हैं वो लोग किराए के मकान में, वो 6 हैं, 15 कमरों में तुम 3 हो। मैंने कहा वो क्यों नहीं रहते तुम्हारे साथ? बोले महाराज ऐसा है कि हम लोगों में आपस में बनती नहीं है, आपस में नहीं बनती। तुम इनका तुमने देख लिया, तुम्हारा मकान कितना शुद्ध है और तुम्हारा मन कितना शुद्ध है। 3 व्यक्ति के लिए 15 कमरे, 6 लोगों के लिए 3 कमरे। ध्यान रखिए, एक बात याद रखना, क्यों नहीं बनती है आपस में? मुझे अभी बात समझ में नहीं आती है कि एक खून, एक मां बाप से पैदा हुए लोग इतने बट जाते हैं चंद ठीकरों के लिए, चंद रुपए पैसों के लिए, थोड़ी सी जमीन जायदाद के लिए, थोड़े से हक और अधिकार के लिए। भाई भाई आपस में इतने बट जाते हैं एक दूसरे से जय जिनेन्द्र का रिश्ता भी खत्म हो जाया करता है। नादान है इंसान जो मिट्टी के ठीकरों के लिए आत्मीयता को छोड़ देता है, इंसानियत को छोड़ दिया करता है। एक बात याद रखना, पत्थर तभी तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है, पत्थर तभी तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है, पत्ता तभी तक हरा है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है, और परिवार तभी तक सलामत है जब तक वो भाई बहन और परिवार से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखना, इंसान तभी तक सलामत है जब तक वो परिवार से जुड़ा हो। परिवार से टूटो मत,